Are you sure? तुम्हें फिर से चेक कराना चाहिए, एक बार और टेस्ट कर लो। मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, 10 बार कर चुकी हूँ, एंड इट्स ऑल पॉजिटिव। दुखी हूँ या खुश हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे डील करोगी तुम? मैं वहाँ आऊँ क्या? नहीं नहीं, यू डोंट वरी, आई विल मैनेज। उसे बता दिया? अभी तक नहीं, जब सही समय आएगा तब उसे गुड न्यूज दे दूंगी। ए भानु, ओके बाय। ओके तुझे फोन करती हूँ। थैंक्स भानु, पूजा से बात कर रही थी, उससे बात किए हुए काफी दिन हो गए थे। तुमने कुछ सुना? सुना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, हम लोग इंडिया कब जा रहे हैं, डैड को इस बारे में कैसे बताऊंगी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जीजू अभी ही तो आए हैं, भाई उनसे बात कर रहे हैं ना। वैसे भाई आज इंडिया जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझसे अभी कुछ मत पूछो तुम, बस एक छोटा सा फेवर कर दो, ये प्रेगनेंसी वाली बात भाई को मत बताना। बिना बताए कैसे? ट्रस्ट मी सहस्त्रा, अभी मत बताओ, जब भाई इंडिया से वापस लौट आएंगे ना तो मैं सब कुछ सेटल कर दूंगा, ट्रस्ट मी। तुम यहां पर हो ये बात उन्हें पता चल गई है, अब हम एक ही काम कर सकते हैं, ये झगड़ा यहीं खत्म करें। वैसे भी नुकसान तो दोनों ही फैमिली का हुआ है, उनकी तरफ से पहल हो चुकी है, उन्होंने कहा था हम बैठकर बात करते हैं। मुझे बाहर निकालने के लिए उनका ट्रैप है। नो 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 नो, इट्स नॉट अ ट्रैप, ये प्रपोजल उसके दादा का है और वो उनके भाई की जैसे नहीं है, वी कैन बिलीव हिम। या तुम्हारी मम्मी ने भी यही बोला है, तुम जाओगे तो वो सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं, उस बूढ़े के मरने से पहले ही वो सब लफड़ा खत्म करने की सोच रहे हैं। मेरे हिसाब से सही यही होगा कि तुम जाकर उनसे सब सेटल कर लो। लड़की प्रेग्नेंट है। ये हम कहाँ आए हैं? सरप्राइज है। सिद्धार्थ का फोन है। फोन मत उठाना वरना सरप्राइज मिस हो जाएगा। किशोर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ के साथ तुम इंडिया नहीं गए? प्लीज सिट। तो तुम इतने दिनों तक सिद्धार्थ के साथ रही? व्हाट डू यू मीन? आई मीन सिद्धार्थ ने जो तुम्हें चांद की कहानियां सुनाई अब वो खत्म हो गई हैं। जरा एक क्राइम स्टोरी देखो। उसका नाम सूर्या है, सूर्य प्रताप, वो किसी और को नहीं मार रहा, वो है मोस्ट डेंजरस माइनिंग माफिया किंग अंकी नायडू। उसके आदमियों से बचने के लिए उसने यहां शेल्टर लिया है। उसके बारे में तुम्हें क्या बताया गया मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने जो अभी देखा है वो है गैंग वॉर। इन दोनों फैमिलीज के बीच में सेटलमेंट हो जाए इसके लिए मैं ट्राई करता आ रहा हूं, अब एक चांस मुझे और मिला है, लेकिन उसके बीच की सबसे बड़ी रुकावट तुम हो। मैं हूं? यस, सूर्या यहां पर है, उन्हें पता चल गया था, इनफैक्ट उस पर एक बार अटैक भी हो चुका है, अगर उनमें बातचीत नहीं हुई तो वो लोग सूर्या को जान से मार देंगे। सो अगर सूर्या को जिंदा देखना है तो तुम्हें उसे भूलना होगा। मैं नहीं मानती, यही बात सिद्धार्थ के मुंह से सुनना चाहती हूँ। वो भी यही कहेगा जो मैंने कहा, वो मारा जाएगा तुम्हारी वजह से। I'm pregnant. ये बात मुझे पता है, पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, we'll take care of it. What do you mean? डॉक्टर, मैं जो कह रहा हूं समझ में नहीं आ रहा, मजाक समझ रही है? सूर्या को मार डालेंगे वो लोग, उसे नहीं छोड़ेगी तो मैं तुझे मार डालूंगा। भानु, भानु, प्लीज हेल्प मी।
भानु। जैसे ही काम हो जाए इसके घर भेज दो इसे। सूर्या को नहीं छोड़ने पर क्या हो सकता है इसे समझा देना। जीजू प्लीज, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। हाँ गलत है, अब तक जो हुआ है वो सब सही है, सिर्फ ये गलत है। मैंने जो कहा वो कर। Condition, doctor? There's nothing to worry. Minor injury. She'll be fine. And how's the baby? Baby's okay. Thank you. तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो भानु? अगर भाई इंडिया में अंकि नायडू की बेटी से शादी करते हैं तो ही झगड़ा बंद हो सकता है। उन्होंने यही कंडीशन रखी है, वरना भाई की जान को बहुत खतरा हो सकता है। तुम प्रेग्नेंट हो, अगर ये बात भाई को पता चलेगी तो वो शादी नहीं करेगा और तुम दोनों की जिंदगी को खतरा बढ़ जाएगा। सहस्त्रा, अगर तुम भाई से सच्चा प्यार करती हो तो प्लीज उन्हें छोड़ दो। जिस डर ने मुझे मेरे प्यार से मिलाया था उसी डर ने मुझे मेरे प्यार से दूर भी कर दिया। सॉरी सूर्या, सहस्त्रा तुमसे नहीं मिलना चाहती है। उसे प्रॉब्लम क्या है? मैं उस लड़की के पास गया था, उसे सब कुछ बताया, बहुत कन्विंस करने की कोशिश की पर वो सुनने को तैयार नहीं हुई। बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, मुझे बाहर ढकेल दिया। अब उस लड़की के बारे में सोचकर तुम अपनी लाइफ वेस्ट मत करो। Thank you. Sahastra, Sahastra, संभल के बेटा। Sahastra, रुक जाओ। बेटा उधर कांटे हैं, उधर मत जाओ। ए सहस्त्रा, क्या हुआ? बिना बताए आ गई? पागल कहीं की, पापा को देखने का मन किया तो आ गई है? अरे रो मत, अब आ गई है ना तो पापा के साथ ही रहना। हा? चल आजा, अंदर चल।